हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हो फ्री नॉलेज गेन का वीडियो। हम लोग इस चैनल पे अकाउंटिंग, टैली, जीएसटी, इनकम टैक्स एंड अदर नॉलेजेबल टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कॉमेंट बॉक्स पर आपका टॉपिक टाइप कर दीजिए। आज का जो टॉपिक है वो मिस्टर ठाकुर जी ने रिक्वेस्ट किया था कि हाउ टू फाइल टीडीएस रिटर्न फ्रॉम टैली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो पहले आप टैली खोल लीजिए। टैली को खोलने के बाद आप यहाँ से F11 प्रेस कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे आइए स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे। यहाँ पे देखिए राइट साइड पे एनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS लिखा हुआ है। इस ऑप्शन को यस कीजिए और एंटर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए सेट ऑल्टर TDS डिटेल्स, इसको भी यस कीजिए और इसको एंटर दीजिए। तो अब देखिए पहले जो ऑप्शन है टैन रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि आपका कंपनी का या फिर आपका फर्म का जो भी आप टैन नंबर है वो टैन नंबर आप यहां पे डाल दीजिए। उसके बाद यहां पे देखिए डिडक्टर टाइप, डिडक्टर टाइप आप क्या है, आप अगर कोई कंपनी है तो कंपनी लीजिए या तो फिर कोई इंडिविजुअल और HUF है वो लीजिए। ठीक है, सपोज ये कंपनी ले रहा हूँ कंपनी, और डिडक्टर ब्रांच डिवीजन जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल। जब TDS आप फाइल करेंगे तो TDS फाइल करने के टाइम देखिएगा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है उसका डिटेल्स आप यहाँ पे यस करके और यहाँ पे सारा डिटेल्स उनका दे सकते हैं, उनका नाम, उसका सोन या डॉटर ऑफ डेजिग्नेशन, पैन, एड्रेस वगैरह जो भी है आप यहाँ पे दे दीजिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन का। और उसके बाद यहाँ पे देखिए रेट ऑफ TDS इफ पैन नॉट अवेलेबल, यानी कि दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि TDS कटने के लिए आप जिससे TDS कटते हैं उनका पैन नंबर होना जरूरी है। अगर उनका पैन नंबर नहीं रहेगा तो उसके हिसाब से अभी तो गवर्नमेंट का जो रूल्स है कि जिसका पैन नंबर नहीं रहेगा उसको 20% के हिसाब से उनका TDS कटेगा। ठीक है, इन फ्यूचर अगर वो चेंज होता है कि 20% लेस हो जाता है या फिर बढ़ जाता है तो उस हिसाब से आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी तो 20% है तो इसको 20% रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इग्नोर IT एग्जम्पशन लिमिट फॉर TDS डिडक्शन, इसको नो ही रहने दीजिए, और एक्टिवेट TDS फॉर स्टॉक आइटम्स, इसको भी अभी नो रहने दीजिए और इसको एंटर दीजिए। और उसके बाद एंटर दबाते हुए यहाँ पे देखिए पैन, इनकम टैक्स नंबर, आपका जो भी कंपनी का पैन है वो नंबर यहाँ पे पैन नंबर दीजिए, कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर जो है वो आप यहाँ पे दीजिए। अब इसको सेव कर दीजिए। अब देखिए ये सेव करने के बाद क्या होता है, आप यहाँ से आ जाइए डिस्प्ले पे, यहाँ पे आ जाइए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे, और यहाँ पे देखिए TDS रिपोर्ट, TDS रिपोर्ट बोल के यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आप F11 प्रेस करके वहाँ पे TDS यस करते हैं तो ही ये ऑप्शन यहाँ पे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे एंटर दीजिए और यहाँ पे देखिए फॉर्म 26Q, फॉर्म 27Q जो भी दो फॉर्म है तो इस फॉर्म के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो सपोज 26Q यहाँ पे एंटर दीजिए, तो देखिए ये है रिटर्न का प्लेस, यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके एंट्री करते हैं। हम लोग एग्जाम्पल के लिए दो एंट्री करेंगे और उसके हिसाब से इसको कैसे रिटर्न कर सकते हैं उसको हम आपको दिखाएंगे। तो पहले तो आप यहाँ पर आ जाइए अकाउंटिंग वाउचर्स पे, और यहाँ से आ जाइए आप जर्नल वाउचर्स पे, और डेट डाल दीजिए, सपोज मैं 1 अप्रैल दे रहा हूँ। और यहाँ पे मान लीजिए हम लोग का एक एक्सपेंस है कमीशन का, तो कमीशन एक्सपेंस के ऊपर हम लोग TDS काटेंगे। तो यहाँ पे डेबिट कर दीजिए, ऑल्ट सी प्रेस कीजिए और यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करिए कमीशन CO, और इसका अंडर दे दीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ पे देखिए इस GST एप्लीकेबल, ये हम लोग का GST एप्लीकेबल नहीं है तो इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इस TDS एप्लीकेबल, तो इस TDS को यहाँ पे एप्लीकेबल करना पड़ेगा तो इसको कर दीजिए एप्लीकेबल, एंटर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट ये राइट साइड पे आ गया, तो आपका जो भी नेचर ऑफ पेमेंट है उसका नेचर यहाँ पे आप अगर क्रिएट करके रखेंगे तो यहाँ पे शो करेगा, अगर नहीं रहेगा तो आप नए तरह से इसको क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए आप न्यू कैटेगरी पे एंटर दीजिए और यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट लिख दीजिए कमीशन
ठीक है, इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन आप दे दीजिए, कमीशन का सेक्शन है 194H। उसके बाद देखिए पेमेंट कोड, पेमेंट कोड कितना है 94H, और रेमिटेंस कोड जो रहेगा वो दीजिएगा रेट। अब देखिए ये जो कमीशन हम लोग काटेंगे तो इस कमीशन के ऊपर TDS का जो रेट है कितना है वो रेट आपको यहाँ डालना पड़ेगा। तो सपोज कमीशन के ऊपर TDS जो कटता है ये 5% कटता है, 5% कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए थ्रेशोल्ड और एग्जेम्पशन लिमिट, यानी कि आप लोग जानते ही होंगे कि TDS कब कटता है, अब जितना भी अमाउंट होगा उस पर TDS नहीं कटेगा, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया अगर आपका कमीशन एक्सपेंस हो रहा है तो उस पर आप TDS नहीं कटेंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट का रूल्स है, उसका एक एग्जेम्पशन लिमिट है, थ्रेशोल्ड है, तो उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद ही आपको कमीशन का ये काटना पड़ेगा। जैसे कि इसका कमीशन का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 15,000, यानी कि पूरे साल भर में अगर 15,000 का किसी का बिल होता है तो 15,000 तक तो ये छूट है, इसमें आप TDS नहीं कर सकते। लेकिन 15,000 जैसे ही 1 रुपया ये उससे ज़्यादा होगा तब आपको ये कमीशन के ऊपर आपको TDS काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप थ्रेशोल्ड लिमिट दे दीजिए 15,000 और एंटर दीजिए। अब इसको सेव कर दीजिए। तो देखिए नेचर ऑफ पेमेंट पे कमीशन आ गया है, ये वाला ऑप्शन नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। तो कमीशन आ गया। तो सपोज हम लोग का एक्चुअली जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 15,000, तो सपोज हम लोग ले रहे हैं 20,000, पहले 20,000 कमीशन है। नेक्स्ट एंटर दीजिए। क्रेडिट, क्रेडिट किसको करेंगे हम लोग, पार्टी को करेंगे। तो यहाँ पे एक पार्टी लेजर क्रिएट कर लेंगे, राहुल अग्रवाल, अंडर दे देंगे सैंडी क्रेडिटर्स। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है इस TDS डिडक्टेबल, तो इसके ऊपर TDS कटेगा तो इसके यहाँ से यस करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे डिडक्टेड टाइप राइट साइड पे देखिए यहाँ पे लिस्ट आ गया। ये जो राहुल अग्रवाल है इनका डिडक्ट, इसका टाइप क्या है, ये क्या कोई कंपनी है या फिर कोई फर्म है या कोई कंपनी नॉन रेसिडियल है या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, जो भी है उसका डिडक्ट टाइप आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो राहुल अग्रवाल हम लोग समझ ही सकते हैं ये एक इंडिविजुअल रेसिडेंट है और इंडिविजुअल ले रहे हैं। अगर ये इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट रहेगा तो ये होगा, और ये इंडिविजुअल रेसिडेंट रहेगा तो ये होगा। इसको एंटर दीजिए। उसके बाद देखिए यूज़ एडवांस TDS एंट्रीज, इसको फिलहाल आप नो रहने दीजिए, इसका क्या काम है बाद में दूसरा एंट्री में हम आपको बताएंगे। और उसके बाद यहाँ से आप जितना भी इसका एड्रेस वगैरह है दे दीजिए वहाँ। अब यहाँ पे देखिए पैन, इसका पैन लेकिन मैंडेटरी है, आपको यहाँ पे पैन देना पड़ेगा जरूर। अगर आप यहाँ पे पैन नहीं देते हैं तो इसके ऊपर 20% TDS कट जाएगा, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे पैन देना पड़ेगा। तो इनका जो भी पैन नंबर रहेगा वो दे दीजिएगा। ठीक है, जो भी पैन नंबर रहेगा आप दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से इसको सेव कर दीजिए। अब देखिए राहुल अग्रवाल के ऊपर जो TDS कटा है, देखिए यहाँ पे 19,000 रुपया ऑटोमेटिक आ गया, यानी कि 20,000 के ऊपर 1,000 रुपया इसका TDS कटा है। ठीक है, उसके बाद एंटर दीजिए। यहाँ पे देखिए न्यू रेफरेंस, न्यू रेफरेंस बोल के ये जो हम लोग कमीशन का एंट्री कर रहे हैं, एंट्री पास कर रहे हैं, इसका कोई कुछ ना कुछ बिल होगा। तो आप सपोज हम लोग यहाँ पे 001 दे रहे हैं, इसका बिल नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए न्यू रेफरेंस, यहाँ पे भी 001 दे दीजिए, क्योंकि इसका जो कमीशन है 20,000 और 1,000 जो TDS है ये सेम बिल में ही रहेगा, तो इसीलिए ये दोनों जगह पे सेम बिल रहेगा, बिल नंबर। और इसको सेव करिए और यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कीजिए, ऑल्ट सी प्रेस कीजिए और यहाँ पे लेजर क्रिएट कीजिए TDS ऑन कमीशन, और अंडर दे दीजिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस। और टाइप ऑफ ड्यूटी क्या होगा, TDS होगा। और नेचर ऑफ पेमेंट क्या होगा, ये कमीशन होगा, कमीशन के ऊपर TDS काट रहे हैं, और इसको सेव कर दीजिए। देखिए ये हो गया, एक एंट्री पास हम लोग कर दिए, कमीशन के ऊपर 20,000 का कमीशन था, राहुल अग्रवाल को कितना देना है 19,000 देना है, और TDS कितना हम लोग काट के रखे हैं 1,000। अब इसको सेव कर दीजिए। अब देखिए ये एंट्री करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, आप यहाँ से आ जाइए डिस्प्ले पे, यहाँ से आ जाइए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे, और यहाँ से आ जाइए TDS रिपोर्ट्स पे। और ये हम लोग जो कमीशन काट रहे हैं ये फॉर्म 26Q के अंदर है, तो यहाँ पे एंटर दीजिए। तो देखिए ये वाला डिडक्शन एट नॉर्मल रेट यहाँ पे आ गया,
यहाँ पे देखिए कई तरह का डिडक्शन डिटेल्स हैं, डिडक्शन एट नॉर्मल रेट, डिडक्शन एट हायर रेट, लो रेटेड टैक्सेबल एक्सपेंसेस, जीरो रेटेड टैक्सेबल एक्सपेंसेस, अंडर एक्सेप्शन लिमिट, ये सब है। तो अब जिस कैटेगरी में एंट्री करिएगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग एक और एंट्री कर लेंगे। अब हम लोग जो एंट्री करेंगे इसमें हम क्या करेंगे, सपोज एक एंट्री करेंगे जिसका जिसके पास पैन नंबर नहीं लगेगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम इंटरेस्ट के ऊपर ये एक टीडीएस का एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लीजिए, इंटरेस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अंदर दे दीजिए, उसके बाद यहाँ पे जीएसटी नॉट एप्लीकेबल होगा और इस टीडीएस एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल करना पड़ेगा, और नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे न्यू कैटेगरी कर लीजिए और यहाँ पे इंटरेस्ट लिख दीजिए, उसके बाद सेक्शन इसका जो भी सेक्शन है 194A दे दीजिए, पेमेंट कोड है 94A, और इसका जो रेट है इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कितना है जितना भी है आप दे दीजिएगा, सपोज 10% ले रहे हैं, और इसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसका थ्रेशोल्ड लिमिट इंटरेस्ट कितना है 5000। तो 5000 तक अगर TDS कटेगा तो सॉरी 5000 तक इंटरेस्ट पे करेंगे तो उस पर TDS नहीं कटेगा, लेकिन 5000 के ऊपर होगा तो उस पर TDS कटना पड़ेगा। और इसको सेव कर दीजिए, सेव करने के बाद यहाँ पे आप अमाउंट दे दीजिए, सपोज हम यहाँ पे अमाउंट ले रहे हैं 10000। नेक्स्ट क्रेडिट किसको करेंगे, एक पार्टिकल लेजर क्रिएट कर लेंगे, पार्टिकल लेजर क्रिएट कर लेते हैं और अंडर दे दीजिए सिंडिकेटर्स, और यहाँ पे देखिए इस टीडीएस डिडक्टेबल, इसको यस करना पड़ेगा, और यहाँ पे इसका जो भी डिडक्टिव टाइप है वो सिलेक्ट कीजिए, इंडिविजुअल रेसिडेंट है, और यहाँ पे देखिए ये जो यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज है, तो अब देखिए इसको यस करने से क्या होगा, देखिए हम लोग जो इसके ऊपर टीडीएस करेंगे इसका पैन नंबर नहीं है, तो इसके लिए हम लोग अभी यूज एडवांस एंट्रीज का ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस्तेमाल करने से क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसा डिडक्टी है जो गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेके रखा है कि उनका जो एक्चुअल में जो टीडीएस रेट है उस रेट को कम किया जाए, जो 197 और 197A में है जो भी है, अगर उसका टीडीएस नील है तो नील है, तो उस केस में इसको यस करना पड़ेगा। तो अभी तो फिलहाल इस केस में ये यहाँ पे जरूरी नहीं है, इसको नो कर दीजिए और यहाँ पे जो भी इसका डिटेल्स है दे दीजिए, और इनका अनिल शर्मा का पैन नंबर हमारे पास नहीं है, तो पैन नंबर यहाँ से मत दीजिए, एंटर दीजिए प्रोवाइड पैन डिटेल्स। तो पैन नंबर अगर नहीं रहेगा तो आपको इस ऑप्शन को यस करना पड़ेगा और यहाँ पे पैन स्टेटस दे दीजिए नॉट अवेलेबल, यानी कि पैन नहीं है, ठीक है, और इसको सेव कर दीजिए। अब देखिए अनिल शर्मा के, अनिल शर्मा को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो था उनको पेमेंट करना था 10000, लेकिन उनसे TDS काट लिए हैं देखिए 2000, यानी कि 20% के हिसाब से इनका TDS कट चुका है, तो अनिल शर्मा को कितना देना है 8000 देना है। अब एंटर कीजिए, यहाँ पे न्यू रेफरेंस दीजिए, सपोज 002 दे रहे हैं, और यहाँ पे फिर न्यू रेफरेंस दीजिए 002 और इसको सेव करिए। यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कीजिए ऑट सी TDS ऑन इंटरेस्ट, अंडर दे दीजिए ड्यूटीजन टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी दे दीजिए TDS, नेचर ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट, इसको सेव कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिक ले लिया, अब इसको सेव कर दीजिए। अब देखिए हम लोग रिटर्न के ऑप्शन पे जाते हैं, आइए यहाँ पे डिस्प्ले पे, और यहाँ पे आइए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे, TDS रिपोर्ट्स पे 26Q। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे आ गया, डिडक्टेड एट नॉर्मल रेट, ये नॉर्मल रेट के हिसाब से यहाँ पे आ गया, और डिडक्टेड एट हायर रेट, ये हायर रेट क्यों आया है, क्योंकि इनके पास पैन नंबर नहीं था इसलिए यहाँ पे आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, आपको एक एक ऑप्शन को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट तो आप जब रिटर्न क्रिएट कीजिएगा, रिटर्न फाइल करिएगा, फर्स्ट तो आपका जो काम रहेगा आप यहाँ से Alt F2 प्रेस कीजिए और आपका जो रिटर्न का पीरियड है, क्वार्टरली जो रिटर्न पीरियड है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सपोज हम फर्स्ट क्वार्टर में रिटर्न अपलोड करेंगे तो 1/4/2018 से आप यहां से 30/6/2018 दे दीजिए। तो मेरे इस सिस्टम पे 30/6 का डेट नहीं ले रहा है, क्योंकि ये एडुकेशन वर्सन है, इसलिए मैं यहाँ पे 2/6 डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह पीरियड सिलेक्ट कर लीजिएगा
जो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। पीरियड को सही तरह से देख लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, या टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितना दिखा रहे हैं, दो। अभी तो हम लोग फिलहाल दो एंट्री किए हैं इसीलिए यहाँ पे दो दिखा रहा है, लेकिन मान लीजिए आप जब यहाँ पे एक्चुअल कंपनी पे काम करेंगे तो इस पीरियड में आपका बहुत सारा एंट्री हुआ होगा। तो यहाँ पे जितना भी एंट्री हुआ है, TDS रिलेटेड हो, परचेज रिलेटेड हो, सेल्स रिलेटेड हो, पेमेंट रिलेटेड हो, जितना भी एंट्री है तो टोटल नंबर ऑफ एंट्री आपको यहाँ दिखाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी इस टैली पे अभी दो एंट्री है इसलिए दो दिखा रहा है। अब देखिए नीचे आइए, यहाँ पे देखिए इंक्लूडेड ट्रांजेक्शंस और एक्सक्लूडेड ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो ट्रांजेक्शन है हम लोगों का, मान लीजिए यहाँ पे 10 एंट्रीज है तो आपको यहाँ पे 10 दिखाएगा, ठीक है। और उन 10 एंट्री में से हम लोग TDS रिलेटेड सिर्फ दो एंट्री है अभी तक TDS रिलेटेड दो एंट्री है। तो ये दो एंट्री क्या होगा TDS रिलेटेड, ये इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन पे आएगा। तो देखिए यहाँ पे इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन पे दो आ गया, और बाकी जो 8 ट्रांजेक्शन था, मान लीजिए परचेज है, सेल है, पेमेंट है, इतना सारा है, तो वो ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगा, यहाँ पे दिखाएगा। तो बाकी 8 नंबर ट्रांजेक्शन आपको एक्सक्लूडेड ट्रांजेक्शन पे दिखाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है देखिए दोस्तों, ये है वाइटल पॉइंट, इसको अच्छे तरह से याद करिएगा, याद करके रखिएगा। ये है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, यानी कि अनसर्टेन ट्रांजेक्शन मतलब यहाँ पे देखिए अभी फिलहाल 0 है। तो मान लीजिए ये जो दो अपने एंट्री किए हैं TDS का, तो ये दो एंट्री में से अगर कहीं भी मिसमैच या कहीं भी कोई गलती है तो इसके लिए आपको क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे एक या फिर दो जितना भी ट्रांजेक्शन आपका गलती रहेगा उतना ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो सपोज मान लीजिए आप किसी से TDS कटे हैं तो उस TDS में जो पैन नंबर दिए हैं, मान लीजिए कि पैन नंबर गलत है या तो फिर पैन नंबर डाला ही नहीं, ठीक है। तो सपोज हम लोग यहाँ पे एक चीज पैन नंबर यहाँ पे एक का नहीं डाले हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या किए थे, जब उसका लेजर क्रिएट किए थे, आपको अगर यह नहीं रहेगा तो वीडियो को फिर से प्ले करके देख लीजिएगा। तो वहाँ पे देखिएगा जब हम लोग पैन नंबर नहीं डाले थे उसके बाद ही एक ऑप्शन हम लोग यस किए थे, ठीक है। तो उस ऑप्शन को अगर नो करेंगे, पैन नंबर नहीं देंगे, तो यहाँ पे देखिएगा एक नंबर दिख जाएगा, ठीक है। या तो फिर कहीं भी मिसमैच रहेगा, दूसरा कुछ भूल गलती रहेगा, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे एंटर दीजिएगा, उसके बाद वहाँ पे क्या मिसमैच है, क्या चीज़ है जो आपने गलती किए हैं, वो चीज़ आपको वहाँ पे दिख जाएगा, और वो चीज़ आप वहाँ फिर से करेक्ट कर लीजिएगा। करेक्ट करने के बाद देखिएगा यहाँ पे सिर्फ 0 रहेगा, उसके बाद ही आप रिटर्न फाइल करिएगा, उसके पहले आप रिटर्न फाइल नहीं कीजिएगा। उसके पहले जितना भी एंट्रीज है सारा अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया एंट्री का पार्ट। अब क्या देखिए यहाँ पे हम लोग जो TDS काट के रखे हैं, इस केस में नॉर्मल रेट पे 1000 TDS काट के रखे हैं यहाँ पे देखिए, और हायर रेट में देखिए 2000 का TDS काट के रखे हैं, तो टोटल 3000 हम लोग TDS काट करके रखे हैं। तो ये 3000 क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो हम लोग तो अभी तक गवर्नमेंट को पे नहीं किए, ठीक है। और आप लोग जानते ही होंगे TDS रिटर्न लगाने के लिए पहले TDS पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद पेमेंट चालान को आपको डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद रिटर्न लगता है, ठीक है। तो अब आ जाइए, पहले हम लोग TDS को पेमेंट कर देते हैं। अब कितना पेमेंट करना पड़ेगा ये आप यहाँ पे बैलेंस शीट पे आके यहाँ पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंटर दीजिए, तो देखिए TDS ऑन कमीशन पे आपको 1000 पे करना है और TDS ऑन इंटरेस्ट पे आपको 2000 पे करना है, तो टोटल हम लोगों को 3000 पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए पेमेंट वाउचर पे। सपोज हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 2/6 को, और यहाँ पे डेबिट कीजिए, तो डेबिट किसको करेंगे, TDS ऑन कमीशन कर दीजिए, अगेंस्ट रेफरेंस ले लीजिए। तो इसका जो बिल नंबर था देखिए 1 था, तो यहाँ पे बिल नंबर आ रहा है और देखिए ऑटोमेटिक आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे फिर डेबिट कीजिए और TDS ऑन इंटरेस्ट इसको लीजिए, अगेंस्ट रेफरेंस कीजिए, बिल नंबर आ जाएगा, इसको एंटर दीजिए, ऑटोमेटिक ये अमाउंट ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे अब जब पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे एक लेजर, शायद बैंक का लेजर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ से ऑल्ट एस प्रेस कीजिए, तो ऑल्ट एस जब प्रेस कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे स्टैट्यूटरी पेमेंट दिखा रहा है।
आप जब भी किसी भी टैक्स का पेमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको डिटेल्स भरना या फिर डिटेल्स रखना आपके पास जरूरी होता है, चाहे वो GST का हो, चाहे वो TDS का हो, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, जो भी हो। तो अभी जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं TDS के लिए, तो आप यहाँ से ऑल्ट ए स्पेस करिएगा तो स्टैट्यूटरी पेमेंट आएगा। यहाँ से टाइप ऑफ टैक्स, आप टैक्स टाइप क्या सिलेक्ट कीजिएगा, TDS लीजिए, एंटर दीजिए। अब देखिए पीरियड फॉर्म, तो कौन सा पीरियड से कौन सा पीरियड का आप ये TDS पेमेंट कर रहे हैं। तो आप अगर यह मंथली TDS पेमेंट कर रहे हैं तो आप यहां से मंथली सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस महीने के लिए हो एक डेट से लेकर वो लास्ट डेट तक दे दीजिए, ठीक है। या तो फिर हम लोग जैसे कि ये क्वार्टरली एक साथ कर रहे हैं तो यहां पे हम लोग डाल सकते हैं 1/4/2018 से यहां पे होगा 30/6/2018, लेकिन यहां पे 30 डेट नहीं लेगा क्योंकि ये एडुकेशन पर्सन है, इसलिए मैं दो दे रहा हूँ, दो डेट। अब यहाँ पे देखिए डिडक्टेड टिल डेट, किस डेट तक ये डिडक्टेड हुआ है, ये 2/6 कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए सेक्शन, तो हम लोग जो ये पेमेंट कर रहे हैं कौन से सेक्शन पे पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ये एक साथ कर रहे हैं, एक्चुअली क्या होता है TDS के हिसाब से आप जब ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको सेक्शन वाइज पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप एक सेक्शन का जो पेमेंट करेंगे एक ही बार करेंगे तो उसके लिए आपको ये अलग अलग, एक्चुअली ये अलग अलग करना चाहिए था। तो देखिए मैं आपको अलग अलग ही दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आप सपोज, क्योंकि ये सेक्शन अलग है, अगर सेक्शन एक रहता तो आप एक साथ पेमेंट कर सकते थे। तो TDS एंड कमीशन लीजिए और यहाँ पे बैंक दे दीजिए और यहाँ से ऑल्ट एस प्रेस कीजिए, तो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए TDS 1/4/2026/2026 कर दीजिए और यहाँ पे देखिए सेक्शन, अब TDS ऑन कमीशन कौन सा सेक्शन में है, 194H, तो 194H ले लीजिए। उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट कमीशन है, ले लीजिए। डिडक्टिव स्टेटस, डिडक्टिव स्टेटस क्या है, डिडक्टिव कौन है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, कौन है, ये एक इंडिविजुअल है तो नॉन कंपनी होगा, नॉन कंपनी सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस, ये रेसिडेंस है, रेसिडेंट लीजिए। कैश और बैंक, आप किससे पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से, SBI बैंक ले लीजिए और इसको। और यहाँ पे देखिए आप, अब जो ये पेमेंट कर रहे हैं SBI से, ये किसके थ्रू कर रहे हैं, चेक के थ्रू कर रहे हैं, ई फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज़ मैं चेक सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे जो भी उसका इंस्ट्रूमेंट नंबर होगा दे दीजिए, डेट दे दीजिए, उसके बाद इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। सेम तरीके से हम लोग फिर उसका पेमेंट करेंगे, TDS ऑन इंटरेस्ट अगेंस्ट रेफरेंस लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक का लेजर लीजिए, एंटर, यहाँ पे पहले ऑल्ट एस प्रेस कीजिए, TDS लीजिए 1/4/2026/2026 लीजिए। उसके बाद सेक्शन 194A, नेचर ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट, डिडक्टिव स्टेटस नॉन कंपनी और रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक, और इसको सेव कर दीजिए। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कैसे आप पेमेंट किए हैं, इसका नंबर दे सकते हैं जो भी नंबर है, और इसका डेट वगैरह सेव कर दीजिए। अब देखिए क्या होता है, आप यहाँ पे आइए डिस्प्ले पे और यहाँ से आ जाइए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे, TDS रिपोर्ट्स पे और 26Q। यहाँ पे आप देखिए पेमेंट ऑफ डिटेल्स पे, यहाँ पे देखिए दो है, एक है इंक्लूडेड ट्रांजैक्शंस, एक है नॉट इंक्लूडेड ट्रांजैक्शंस। आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये इंक्लूडेड ट्रांजैक्शन मतलब यहाँ पे अगर आएगा ये नंबरिंग शो कर, यहाँ पे जीरो नंबरिंग शो कर रहा है, और एक्चुअली ये जो नॉट इंक्लूडेड ट्रांजैक्शन है ये दो यहाँ पे शो करना चाहिए था, लेकिन इसमें कहीं भूल है इसीलिए ये यहाँ पे नहीं ले रहा है, ये नॉट इंक्लूडेड ट्रांजैक्शंस पे ले रहा है। तो इसमें क्या भूल है ये हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे एंटर दीजिए और यहाँ पे देखिए दो है, यहाँ पे एंटर दीजिए। तो देखिए क्या भूल है, देखिए यहाँ पे जो चेक DD नंबर, चेक डेट, BSR कोड, चालान नंबर, चालान डेट, देखिए ये सब नहीं है, तो इसीलिए ये नॉट इंक्लूडेड ट्रांजैक्शंस पे आ रहा था। तो आप लोग दोस्तों जानते ही होंगे TDS रिटर्न लगाने के लिए आप लोग जो TDS का पेमेंट करेंगे उसका जो चालान रहेगा उसके BSR कोड, चालान नंबर, चालान डेट, ये सब डालना पड़ता है। तो हम लोग अभी तक का जो एंट्री किए हैं टैली पे हम लोग तो डाले नहीं है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे वो सब डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दीजिए। चेक डेट नंबर, सपोज कोई भी एक नंबर जो आप ओरिजिनल आपका जो नंबर होगा वो दीजिएगा, मैं सपोज यहाँ पे एग्ज्यूम करके कुछ भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ओरिजिनल दे दीजिएगा, BSR कोड जो रहेगा दीजिएगा, अच्छा चालान नंबर जो रहेगा वो दीजिएगा, चालान डेट जो रहेगा दीजिएगा, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए बैंक नेम बैंक डाल लीजिए और ब्रांच नेम डाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, इसका जो चालान है इसका चालान में जो चेक नंबर या जो भी है दे दीजिएगा। बाद उसके बाद बीएसआर कोड अब जरूर दीजिएगा, बीएसआर कोड दीजिए, चालान नंबर दीजिए, चालान डेट दीजिए, ठीक है। और इसका बैंक सेलेक्ट कर लीजिए और इसका जो ब्रांच नेम है सेलेक्ट कीजिए, एक्सेप्ट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स पे देखिए इंक्लूडेड ट्रांजैक्शंस पे ये तो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम लोग जो पेमेंट का एंट्री किए हैं, मान लीजिए ये दो हम पेमेंट किए हैं टीडीएस के रिगार्डिंग, मान लीजिए हम किसी और पार्टी को भी इस पीरियड में हम पेमेंट किए हैं, दो तीन एंट्री उसका भी होगा, तो वो जो दो तीन एंट्री होगा वो दो तीन एंट्री आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप जरूर कैलकुलेट कर लीजिएगा या फिर ध्यान से उसको मिला लीजिएगा कि कौन सा एंट्री आपका टीडीएस पेमेंट का है अलग है और वो चीज़ आपको यहाँ दिखा रहा है कि नहीं, ठीक है। और नीचे देखिए ये जो जब भी आप यहाँ पे आ जाएगा इंक्लूडेड ट्रांजैक्शन पे, देखिए आप किसी किस किस टीडीएस पेमेंट किया, जैसे कि कमीशन के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, देखिए ये चीज़ यहाँ पे सारा आ गया। तो अब जो यहाँ पे डिटेल्स है टोटल, देखिए ये सब पूरा रेडी है। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितना हुआ, 4 हो गया। क्यों, हम लोग टोटल 4 एंट्रीज किए, 2 टीडीएस के लिए, 2 टीडीएस पेमेंट के लिए। और यहाँ पे देखिए इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन्स ये 2 है और एक्सक्लूडेड ट्रांजेक्शन यहाँ पे 2 है। ये एक्सक्लूडेड ट्रांजेक्शन 2 यहाँ पे क्यों आ गया, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे पेमेंट का एंट्री किए हैं ये वाला, ये 2 यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये जो एंट्री है वो रिटर्न में हम लोग जो भरते हैं किसके पास कितना टीडीएस का यहाँ पे तो नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन पर जरूर देखिएगा ये 0 है कि नहीं। अब देखिए इसको रिटर्न कैसे करना है, अब पूरा फॉर्मेट रेडी हो गया है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से देखिए राइट साइड पर सेव बोल के ऑप्शन है, ठीक है, इसको सेव कीजिए यहाँ पर और इसको एंटर दीजिए। देखिए ये सेव हो गया। अब क्या कीजिए, फिर से यहाँ पे 26Q पे आइए और यहाँ पे आपका पीरियड सिलेक्ट कर लीजिएगा, पीरियड अगर दूसरा है तो सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे देखिए रिटर्न पे नहीं आया, ये अगर सेव हो जाएगा सही तरह से तो यहाँ पे देखिए एक रिटर्न का ऑप्शन है, ये ब्लर हुआ है। अगर ये सही तरह से सेव हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे ये रिटर्न एक्टिव हो जाएगा, तो ये अभी तक ठीक तरह से सेव नहीं हुआ है, इसको सेव करते हैं। डू यू वॉन्ट टू सेव इट रिटर्न, यस। अब फिर से जाते हैं वहाँ पे डिस्प्ले पे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, टीडीएस रिपोर्ट 26Q। अब देखिए ये देखिए ई रिटर्न का जो ऑप्शन है ये एक्टिव हो गया, तो सेव होने के बाद यहाँ पे ई रिटर्न का टीडीएस एक्टिव हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ई टीडीएस पे क्लिक करना है। और दोस्तों एक बात ध्यान पे रखिएगा, जब आप ये करिएगा हर टाइम आप यहाँ पे जो आपका पीरियड है जिस क्वार्टर के लिए आप रिटर्न पीरियड फाइल कर रहे हैं यहाँ पे सही तरह से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न पे क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फॉर्मेट देखिए SDF फॉर्मेट, एक्सपोर्ट लोकेशन ये है, ये जो लोकेशन है ये लोकेशन सही तरह से देख लीजिए ये कहाँ सेव होगा। और ये जो आउटपुट फाइल नेम है ये देखिए tally.txt बोल के होगा और ओपन एक्सपोर्ट फोल्डर, ये इसको यस कीजिएगा तो तुरंत ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इस रेगुलर रिटर्न फील्ड फॉर प्रीवियस पीरियड, यस, अगर आपने रिटर्न मान लीजिए कि पिछला जो रिटर्न लगाए थे तो आप किए थे कि नहीं, तो अगर आप किए हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए और यहाँ पे एंटर दीजिए। और अगर आप यस किए हैं तो आप जब मैनुअली आप जब ऑनलाइन टीडीएस रिटर्न लगाए हैं तो आप जानते ही होंगे वहाँ पे एक रिसीप्ट नंबर या टोकन नंबर होता है, तो उस टोकन नंबर या रिसीप्ट नंबर को आपको यहाँ को देना होगा, यहाँ पर दे दीजिए, उसके बाद एंटर दीजिए और इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट हो गया है, ये देखिए ये वाला फाइल, ये फाइल क्या फाइल है, ये टेक्स्ट का फाइल है tally.txt। और इसका पाथ क्या है यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, या तो फिर आप यहाँ से कट पेस्ट करके या कॉपी पेस्ट करके दूसरे किसी फोल्डर पर रख के भी उसके बाद आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम लोग part 2 में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।